बयान सामने आया कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कोरोना को लेकर के कहा है कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और कोरोना को लेकर के किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोरोना से, लेकिन सावधान जरूर होना है, कोरोना के नियमों को पूरी तरह से पालन करते रहे। विज ने अपील की है हरियाणा के सभी लोगों से, और केंद्र की तरफ से अगर कोई गाइडलाइन आएगी तो उसे लागू किया जाएगा, ये भी कहा है हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, अभी ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं है, लेकिन अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की जाती है, कोई प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उस गाइडलाइन को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई गाइडलाइन जारी की जाती है, पूरी तरह से तैयारी है हमारी, और पिछले जो लहर आई है उनसे अनुभव लेते हुए सबसे ज्यादा दिक्कत तो टेस्टिंग की थी। हिंदुस्तान में सारों को पुणे जाना पड़ता था टेस्टिंग कराने के लिए, अब आरटीपीसीआर मशीन मैंने हर जिले में लगा दी है हरियाणा के। शुरू के केसेस हमने भी पुणे भेजे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी सफिशियंट मात्रा में है, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, तो अब हमने हर 50 बेड से अबव का जो अस्पताल है उसमें पीएसए प्लांट्स हमने लगा दिए हैं, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, मेडिसिन भी हमने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक्स है, सभी तरह से हम तैयार। फिलहाल हरियाणा के लोगों को डरने की जरूरत तो नहीं? नहीं, किसी प्रकार का पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता जो कोविड से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, वो सबको लिए आवश्यक है और वो स्वयं से लोगों को पालन करना चाहिए। केंद्र की गाइडलाइन आएगी तो लागू पूरी तरह से वो? कोई भी केंद्र की गाइडलाइन आएगी उसको पूरी तरह से हमारे प्रदेश में लागू किया जाए।